मैं यहाँ यूक्रेन इवानो फ्रेंकस नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ। आज यहाँ सुबह से बहुत ज़्यादा पैनिक का माहौल हो रखा है। सब अपने अपने फ्लैट्स में बंद हैं, कोई बाहर नहीं निकल पा रहा क्योंकि बाहर बॉम्ब्स गिर रहे हैं, कहीं पे कुछ भी हो रहा है। सब बहुत ज़्यादा परेशान है। काफ़ी इंडियन स्टूडेंट हैं हमारी यूनिवर्सिटी में, सब बस इसी उम्मीद में बैठे हैं कि हाँ इंडियन गवर्नमेंट कुछ करेगी तो हम यहाँ से जाएंगे। और हमने फ़्लाइट्स भी करवाई थी जाने के लिए, लेकिन वो अब फ़्लाइट सारी कैंसिल हो गई हैं, तो अब हम कैसे जाएं? हम सिर्फ इंडियन गवर्नमेंट से ही उम्मीद कर सकते हैं कि वो कुछ करें तो हम लोग को यहाँ से ले जाएं। हम ना बाहर जा सकते हैं कुछ सामान लेने, ना कुछ भी, बस फ्लैट में हैं। अब जब तक का सामान है तब तक फ्लैट में है। आगे की सिचुएशन का कुछ पता नहीं, कभी भी कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। मैं यहाँ यूक्रेन इवानो फ्रेंकस नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ। आज यहाँ सुबह से बहुत ज़्यादा पैनिक का माहौल हो रखा है। सब अपने अपने फ्लैट्स में बंद हैं, कोई बाहर नहीं निकल पा रहा क्योंकि बाहर बॉम्ब्स गिर रहे हैं, कहीं पे कुछ भी हो रहा है। सब बहुत ज़्यादा परेशान है। काफ़ी इंडियन स्टूडेंट हैं हमारी यूनिवर्सिटी में, सब बस इसी उम्मीद में बैठे हैं कि हाँ इंडियन गवर्नमेंट कुछ करेगी तो हम यहाँ से जाएंगे। और हमने फ़्लाइट्स भी करवाई थी जाने के लिए, लेकिन वो अब फ़्लाइट सारी कैंसिल हो गई हैं, तो अब हम कैसे जाएं? हम सिर्फ इंडियन गवर्नमेंट से ही उम्मीद कर सकते हैं कि वो कुछ करें तो हम लोग को यहाँ से ले जाएं। हम ना बाहर जा सकते हैं कुछ सामान लेने, ना कुछ भी, बस फ्लैट में हैं। अब जब तक का सामान है तब तक फ्लैट में है। आगे की सिचुएशन का कुछ पता नहीं, कभी भी कुछ भी हो सकता है यहाँ पे।